नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अगस्त में रूस के ऊपर उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वैगनर भाड़े के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन और उनके चालक दल के अवशेषों में विस्फोटक निशान पाए गए थे। रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक संक्षिप्त विद्रोह का नेतृत्व करके 2 महीने बाद अगस्त में प्रिगोजिन का विमान मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं क्रेमलिन आलोचकों और पश्चिमी देशों ने बेईमानी का सुझाव दिया है। पुतिन की टिप्पणियां दुर्घटना की रूस की जांच पर पहला महत्वपूर्ण अपडेट थी। वहीं बलदाई चर्चा क्लब की एक बैठक में पुतिन ने कहा कि जांच समिति के प्रमुख ने कुछ दिन पहले मुझे रिपोर्ट दी थी। हवाई आपदा के पीड़ितों के शरीर में हथगोले के टुकड़े पाए गए। वहीं विमान पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा।